दरगाह पर हुई कार्रवाई को लेकर माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी का बड़ा बयान आया है। दरअसल आज माहिम में समुद्र के बीचों बीच मौजूद अवैध दरगाह पर तोड़क कार्रवाई की गई। राज ठाकरे ने कल चेतावनी दी थी और अल्टीमेटम भी दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और इसके बाद माहिम दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी का बयान आया है। आपको बता दें कि सोहेल खंडवानी ने कहा है कि वहाँ दरगाह नहीं है, वहाँ मखदूम साहब बाबा के उस्ताद का चिल्ला है, जो कि पढ़ने की जगह है, बैठने की जगह है। वहाँ अवैध स्ट्रक्चर था जिसे हटाया गया है। चिल्ला का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हुआ है, आजू बाजू जो स्ट्रक्चर थे महज उसे ही तोड़ा गया है। लोग लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे, इस बात की भी अपील की है। देखिए, पहली बात ये मिसकंसेप्शन है कि वहाँ मजार थी, ये मजार कभी थी नहीं। मजार इधर है मखदूम शाह बाबा की, जो लोगों को मालूम है 600 साल पुरानी मजार है। वो पर्टिकुलर जो जगह थी वो एक चिल्ला था, जिधर मखदूम शाह बाबा वहाँ जाके अपना एजुकेशन लेते थे ख्वाजा खेदर हयात नबी से। वो आके उनको एजुकेट करते थे, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आते थे उससे। और उनकी एक दूसरा एक और चिल्ला था जो माहिम पुलिस स्टेशन में है, क्योंकि माहिम पुलिस स्टेशन जो है वो पब्लिक के लिए इतना ओपन नहीं है। लोग या मजार पे आते थे, फातिहा पढ़ते थे और वो चिल्ले पे आते थे और वहां से ब्लेसिंग्स लेते थे। तो ये जो है पहले मिसकंसेप्शन आप लोग के माइंड से निकाल देना चाहिए कि वहां कोई मजार थी या मजार कुछ तोड़ा गया। दिस इज नथिंग लाइक इट। इनफैक्ट ये जो मिस्टर ठाकरे का जो क्लेम था कि जो वहां अनऑथराइज कुछ बना हुआ है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि मिस्टर ठाकरे का रिस्पेक्ट जो है वो मखदूम शाह बाबा में भी है, क्योंकि उनकी फैमिली भी इधर आती है। उन्होंने कोई इस पर स्पेसिफिक नहीं बोला होगा कि भाई मखदूम शाह बाबा का चिल्ला को तोड़ो। उन्होंने ये बताया होगा कि ठीक है, उसके आजू बाजू जो भी अनऑथराइज है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। फाइन, जो भी अनऑथराइज है, वी आर ऑल्सो लॉ अबॉइडिंग सिटीजन। अगर उसके ऊपर आजू बाजू पे एक्शन होता है और अनऑथराइज चीज है और गवर्नमेंट उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेती है, वी आर हैप्पी। अनऑथराइज चीज तो टॉलरेट भी होना चाहिए एक लॉ अबॉइडिंग सिटीजन को। और आज भी जो एक्शन हुआ है आज सुबह में, वो एक्शन जो है वो अनऑथराइज पे हुआ है। आज भी वो चिल्ला जो है वो इंटैक है, एंड वो चिल्ले जो बिकॉज क्या होता है कि हाईटाइड के टाइम पे वो दिखता नहीं है, और जब हाईटाइड चली जाती है तो यू कैन सी द चिल्ला एंड स्टिल द पीपल। जब हाईटाइड नहीं होती तो पीपल गो देयर और कुरान शरीफ पढ़ते और ब्लेसिंग्स लेके आ जाते। सर, लेकिन हम एक चीज यहाँ पे ध्यान लाना चाहेंगे कि जो स्ट्रक्चर था वो बकायदा दिख रहा था कि उस पर चद्दर चढ़ाया गया था, मजार जैसे ही दिख रही थी, तो वहां पर तो अवैध निर्माण किया गया। लेकिन सवाल यह है कि ट्रस्ट के लोग उस वक्त क्या कर रहे थे, उस वक्त आप लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया? देखिए, इसका एक अलग ट्रस्ट है, बिकॉज हम लोग मखदूम शाह के मेन ट्रस्ट से जुड़े हुए, वो एक ट्रस्ट अलग है। और वहां क्या होता है कि लोगों का बिलीफ और मोहब्बत इतनी होती है कि कभी कोई चादर चढ़ा देगा, कभी कोई फूल चढ़ा देगा। हालांकि ये सब जो है चादर और फूल जो है वो मजार पे चढ़ते, ये चिल्ले पे चढ़ते नहीं। चिल्ले पे क्या होता है कि लोग वहां जाते चिल्ले पे, क्योंकि कुरान शरीफ वहां एजुकेशन मखदूम शाह बाबा ने लिए, तो वहां जाके कुरान शरीफ पढ़ते थे और आ जाते थे। सो दिस वॉज दी ओनली थिंग। अभी वो लोगों ने अपनी मोहब्बत में अगर चादर चढ़ा दी तो ये लाखों लोग आते, हर कम्युनिटी के लोग आते। सेकेंडली, वो टाइम पे यानी वी कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। तो और ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हमारों कुछ चीज की उसमें कुछ बढ़ाने की या घटाने की कुछ जरूरत है। देयर इज नो स्ट्रक्चर एट ऑल, इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। लेकिन वहां पे जिस तरह से अगल बगल में और कवर किया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया, यही बात को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि एक अलग दरगाह बनाने की कोशिश की जा रही है। कवर किसने डिलिबरेटली नहीं किया है, वो क्या होता है कि जब लो टाइड जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि स्ट्रेट पैसेज वहां बन जाता है, और वहां जो पत्थर होते हैं वो पत्थर को ये लोग गैदर करके वो थोड़ा वो कर देते हैं, ताकि लोगों को कन्विंस हो जाए कि जैसा पहले जैसा टाइम जाता है पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। पहले 20 लोग जाते थे, अभी 200 लोग जाते हैं। तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से वो पत्थरों के ऊपर खड़े रहने के लिए तो वो तो थोड़ा आगे पत्थर कर देते। दैट्स व्हाट वी ओनली थिंग। तो अब मानते हैं वो अवैध तरीके से बनाया गया था, उस पर अगर शासन आप लोगों से संपर्क करता तो आप लोग भी उसे हटा देते? अगर यही चीज अगर ग्रीस अथॉरिटीज बोलती कि भाई ये चीज अपने को निकालने का है, तो वी कुड हैव आस्क्ड वहां के बोर्ड के ट्रस्टीज को, हम बोलते थे कि भाई ठीक है इसको साइड से निकाल दो, वी आर कंसर्न विद द चिल्ला। वो ग्रेसफुली ये चीज हो जाती, ये अननेसेसरी कमोशन करने की जरूरत ही नहीं थी। और इतना जल्दी जो एक्शन भी हुआ है, जो लोग मेरे को पूछते हैं कि एजेंसी ने एक्शन ले ली, तो इट इज वेरी गुड। अगर इतना फास्ट हमारी एजेंसी अगर वर्क करना चालू कर दे तो मैं समझता हूँ बॉम्बे तो अपना बहुत ही क्लीन हो जाएगा, बट दे शुड फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर।